ये सिर्फ 6,000 है सर, बिजनेस क्लास की टिकट 12,200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6,000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। लेकिन मैम, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू? सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती सर। ये लीजिए आपके पैसे, प्लीज आप साइड हो जाइए। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो। मैम, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरा घर जाना जरूरी है, इमरजेंसी है। 5 मिनट में गेट बंद होने वाला है, मुझे मद्रास जाना है। आखिरी 5 मिनट है। पैसे मांगते हैं। मुझे आज तुम्हारे प्लेन में बैठकर बहुत खुशी हुई है बेटा। ये बुढ़िया आज तक कभी गाड़ी में नहीं बैठी और आज तुमने उसे हवाई जहाज में बिठाया। सिर्फ 1 रुपए में मदुराई से चेन्नई तक आई हूँ मैं। धन्यवाद बेटा। आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में? क्या जानते हो आप? आपकी जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि ये छोटू जिंदगी भर ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा। पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बुरा जो किया ना, खुद के लिए किया। अपने दम पर सबका स्टार्टअप खड़ा किया है मैंने, घर लिया है। उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था, पैसों की तकलीफ थी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे, और मैं अपने बच्चों को 5-स्टार होटल में खाना खाने ले जाता था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी, 5-स्टार। बच्चे स्कूल, बड़े स्कूल था ना, बड़े स्कूल में 5-स्टार होटलों में जाते हैं। 5-स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए, चलो चलो यस बेटा, बच्चों ने फरमाइश की चले। अब हम लोग एक एक चीज़ का हिसाब लगाते हैं, चिकन 1800-2200 और वो भाजी का 1600-1800, 3-4 हो गया। फिर वो मिठाई भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे बाप रे, मेरी वाइफ भी घबरा रही। लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से, मैं एक एक रुपये का हिसाब लगा रहा था। बाद में बोला चलो बिल प्लीज। वेटर को बोला सर सॉरी सर, वो टेबल पे एक आदमी बैठे थे, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, उन्होंने आपका बिल पे किया। उन्होंने बोला जानी भाई का मैं फैन हूँ। उनको बताना नहीं।